सुबह सुबह अक्सर हम सभी लोगों को चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और अगर चाय का वो एक कप कड़क होने के साथ ही हेल्दी मसालेदार खुशबू से लबालब हो तो कौन ऐसी चाय के कप को पीना नहीं चाहेगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द वे ऑफ लाइफ विद पूजा। और मेरी बातों से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं खुशबूदार हेल्दी चाय मसाला। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, अदरवाइज रेसिपी आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले हमें चाहिए है 50 ग्राम ड्राई जिंजर। अगर आपको ऐसा मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आप पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। 10 ग्राम क्लोव्स, 15 ग्राम ब्लैक पेपर, 10 ग्राम फेनल सीड्स, इसको सौंफ भी बोलते हैं, 25 ग्राम ग्रीन कार्डोमम, 15 ग्राम सिनामोन, 3/4 स्टार एनिस, इसको फूल चक्री भी बोलते हैं, 60 ग्राम क्रिस्टल शुगर जिसको मिश्री बोलते हैं। अगर आपको धागे वाली मिश्री मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मिश्री कुछ इस तरह से होती है, जो धागे वाली होती है। सारा सामान एक साथ रख लिया है, अब चलते हैं अगले प्रोसेस पे। तो सबसे पहले प्रोसेस में हमें अपने सारे मसालों को धूप में सुखा लेना है, और उसके बाद हम लेंगे एक पैन, स्लो गैस पे इन सारे मसालों को कुछ इस तरह से हल्का हल्का रोस्ट करने के लिए एक एक करके डालेंगे। ध्यान रखिए, मसालों को हमें धीमी गैस पर ही रोस्ट करना है, जलने नहीं देना है। और मसाले रोस्ट हो गए हैं, इसकी एक पहचान है, अगर मसालों की मीठी खुशबू चारों तरफ फैल जाए तो समझ लीजिए मसाले अब तैयार हैं। अब मसाले भी रोस्ट हो चुके हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मसालों को मैंने बिल्कुल भी जलने नहीं दिया है, अच्छी खुशबू भी आ रही है। और अब सारे मसालों को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, तब तक के लिए जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते हैं। अभी मैंने मिश्री को क्रश करके उसके धागे भी निकाल दिए हैं। मसाले भी अब ठंडे हो चुके हैं, और मसाले बिल्कुल ठंडा करके ही अगला प्रोसेस करना है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, अदरवाइज आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और अब हमें लेना है मिक्सी का सूखा हुआ जार। सारे मसाले अब हम इसमें डाल देंगे। मिक्सी का सूखा हुआ जार ही यूज़ करें, अदरवाइज आपके मसाले में मॉइस्चर हो जाएगा। और लास्ट में हम डालेंगे मिश्री, और मिश्री का भी आपको ध्यान रखना है, धागे वाली मिश्री बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो मिश्री आप अवॉइड कर सकते हैं। और अब हम बनाएंगे इसका पाउडर, और पाउडर कुछ इस तरह का बनेगा फ्रेंड्स। इन मसालों को आप फाइन ब्लेंडिंग करिए तभी अच्छे लगेंगे, और इनको छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में इस मसाले को बना के स्टोर करके एयर टाइट डब्बे में रख लीजिए, क्योंकि ये मसाले इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमारा चाय का मसाला रेडी है। और डेली आप चाय बनाइए तब ये वाला मसाला ज़रूर यूज़ करिए। और अब फ्रेंड्स, चाय में इसको कितना डालना है ये भी जान लेते हैं। 4 कप चाय में हम 1/2 टीस्पून मसाला डालेंगे, और 1 कप चाय में 2 चुटकी मसाला ही काफ़ी है। और सर्दियों के लिए ये मसाला हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें डाली गई सारी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी और हेल्थ के लिए अच्छी हैं, इंक्लूडिंग आप इस मसाले को मसाले वाले दूध में भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।